सुबह-ए-रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे। सुबह-ए-रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे, दिल के रिश्ते को मेरी जान कोई नाम न दे। सुबह-ए-रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे। सुबह-ए-रोशन को अंधेरों से भरी शाम न दे। दिल के रिश्ते इसलिए बादल हूँ भटक।
बहुत शुक्रिया खातिर हाजरा। मैं कभी भी सफिशिएंट थैंक यू नहीं कह पाती राधिका को। आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि राधिका की आवाज़ को मैंने कैसे ढूँढा। वर्ल्ड स्पेस में फलक पे एक इनकी गज़ल सुनी मैंने। उन दिनों में मुझे तलाश थी कि मेरी गज़लें कौन गाएगा, और ये आवाज़ सुनी, नाम उस वक्त मैंने नहीं सुना था कि ये कौन गा रहा है। तो बस उसके बाद सर्च शुरू हो गई। नाम वो पहले अनाउंस कर चुके थे, तो मैं रोज़ फलक सुनने लग गई। और फिर एक दिन जब नाम मैंने सुना, और वो कहते हैं ना कि जब कुछ चाहिए तो सारी कायनात लग जाती है उस चीज़ को तुम्हारे पास लाने में, तो फिर मैं मिली, शांति जी से मिली और राधिका से लिंक बना, तो बस ये एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। थैंक यू राधिका। आपसे एक और छोटा सा कलाम, छोटी सी गजल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। खास तौर पे कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है उन्हें इतना आता है शायरी के बारे में। सबसे पहले तो शबाना जी और मिसेस मेहदी अभी मुझे कुछ कह रही थी, उनकी डॉक्टरेट है गालिब में, गालिब पर, तो मुझे तो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। पर आपका साथ चाहिए, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। ये मेरी फेवरेट गज़ल फ्रॉम वॉट एवर आई हैव रिटन। आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच बिकॉज इट गिव्स द वॉइस टू अ वुमन टू से थिंग्स टू, अब जो भी महबूब हों, जो शायद कहना कई बार अटपटा लगता है, मुश्किल लगता है। कुछ रिश्तों की शायद ये कड़वी सच्चाई भी हो, शायद आपका मूड और माहौल बदल जाए, लेकिन मैं बहुत दिल से शेयर करना चाहती हूँ, तो आपकी इजाज़त है।
खींच लाया तुझे एहसास-ए-तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक, एहसास-ए-तहफ़्फ़ुज़, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। खींच लाया तुझे एहसास-ए-तहफ़्फ़ुज़ मुझ तक, हमसफ़र होने का तेरा भी इरादा कब था। शुक्रिया। दरगुजर करता रहा तेरी खताएं बरसों, दरगुजर करता रहा तेरी खताएं बरसों, मेरे जज्बात व ख्यालात तू समझा कब था। शुक्रिया। जाहिरन साथ वो मेरे था मगर आँखों से, जाहिरन साथ वो मेरे था मगर आँखों से, बदगुमानी के नकाबों को उतारा कब था। तुझको मालूम नहीं अपनी वफाओं के एवज़, तुझको मालूम नहीं अपनी वफाओं के एवज़, जाने जा मैंने जो चाहा था ज़्यादा कब था। दो किनारों को मिलाया था फ़कत लहरों ने, दो किनारों को मिलाया था फ़कत लहरों ने, हम अगर उसके ना थे वो भी हमारा कब था। उसने मेरी ही रफाकत को बनाया मुलज़िम, उसने मेरी ही रफाकत को बनाया मुलज़िम, मैं अगर भीड़ में था वो भी अकेला कब था। आखिरी शेर पेश करती हूँ। वो तेरा अहद वफा याद है अब तक मीता, वो तेरा अहद वफा याद है अब तक मीता, भूल बैठा हूँ मोहब्बत का ज़माना कब था। शुक्रिया। वॉल्यूम वन ऑफ जो आज तक ना कह सकी कंटेन 7 गज़ल्स sung by Shrimati Shanti Hiranand ji. Shrimati Shanti Hiranand ji needs no introduction. Ghazal lovers all over the world know Begum Akhtar, and so know Shanti ji. She promises to take us back to the era of ghazals that was. बहुत से प्यारे दोस्त, ये जो आज की शाम है ये गज़ल और शायरी की शाम है। गायकी तो इतनी नहीं होगी मगर उर्दू अदब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर मज़ा आएगा। अब मैं जो दो गज़लें गाऊंगी ये सीडी में हैं, अमीता जी की लिखी हुई हैं। और पहले तो जब इन्होंने गज़लें मुझे दी तो मेरी समझ में नहीं आया, मगर धीरे धीरे ये लगा कि इतना अच्छा तसव्वुर है, इतना अच्छा ख़याल है कि उसको गाने में जी लगने लगा। तो मैं ये कहूँगी बहुत ही सादा ज़बान में और इतने एहसासों के साथ, इतने इमोशंस के साथ ये गज़लें लिखी गई हैं, ख़ास कर औरतों के लिए। आ
दरिया रहमत
Azeeyat bhari